हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कुमड़े से टेस्टी रायता बनाते हैं। कुमड़े का रायता भी कई तरह से बनता है। कई लोग सब्जी बनाकर फिर उसको फ्राई करके बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ अपने तरीके का रायता शेयर कर रही हूँ। इस रायते में मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है इस रायते को। यहाँ पे मैंने सरसों का यूज़ किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने कुमड़े का टुकड़ा लिया है, अच्छा फ्रेश हरा कुमड़ा है। इसको अच्छे से छील कर और हम पतले साइड से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की सहायता से इस तरह से मैंने कुमड़े को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश ताज़ा कुमड़ा है। इस तरह से बड़े बड़े इसके लच्छे निकल आए हैं। इसके बाद मैंने गैस पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। एक गिलास के करीब पानी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से उबाल आने देंगे। और पानी जैसे उबल जाएगा तो इसमें हम 5 मिनट के लिए जो हमने कद्दूकस करके रखा है कुमड़ा उसको डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से मिक्स करके और ढककर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इस तरह से सभी कुमड़े को मैंने पानी में डालकर और चला दिया है। जब तक कुमड़ा पक रहा है चलिए हम दही की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे मैंने मसालों में काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची और भुना जीरे का पाउडर लिया है। और 3 से 4 चम्मच सरसों जो होती है मोटी वाली, उसको दरदरा करके लिया है। जैसे हम अचार के लिए सरसों तैयार करते हैं मसालों के लिए, बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लिया। अगर नमक कम ज़्यादा है तो आप इसी समय इसमें मिलाकर रख दें। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इस तरह से दही और सरसों को मिक्स करके रख दें, तो अगले दिन जब आप इसको रायते को बनाएंगे तो इसमें एक अलग सी झार आती है। सरसों का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है वो खुल के आता है। दही में जितनी देर तक सरसों भीगी रहेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर में कुम्भड़े को निकाल लिया है और अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब चलिए हम दही में छौंक लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने राई, जीरा और खड़ी मिर्च का छौंक लगाया है। इसी के साथ थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी और हल्दी, वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। और उन सब को भी इसमें दही में अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और अच्छे से चम्मच से चला लेंगे ताकि दही में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, छौंक जो हमने डाला है। और इसके बाद बिल्कुल जब कुमड़ा ठंडा हो जाए, अच्छे से देख लें बिल्कुल ठंडा हो जाए, गर्म बिल्कुल ना डालें नहीं तो दही फट जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो उसको भी डालकर और अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। बस कुमड़ा हमारा खाने के लिए तैयार है। मैं ज़्यादातर एक दिन पहले ही दही में सरसों मिक्स करके रख देती हूँ और अगले दिन कुमड़े का, लौकी का सेम रायता, ऐसे आप लौकी का भी बना सकते हैं। और सरसों में दही मिला के जब हम खाते हैं तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट के कीड़े वगैरह मारने में कई बार इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह गर्मियाँ आ रही हैं, आप भी इस तरह का रायता बनाइए और इन्जॉय करिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।